Hello dear friends, welcome once again to this incredible platform of Edulover. Class 10th arithmetic progression के exercise 5.3 के question number 4 के solution में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इसे previous video आपने अभी तक नहीं देखा है तो complete playlist का link मिलेगा आपको description में। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक telegram पे भी join नहीं किया है तो उसका भी link मिलेगा description में। क्या है question number 4? How many terms of the AP? एक हमें AP given है तो लिख लेते हैं AP जो कि हमें दिया हुआ है 9, 17 25, ... इस टाइप से हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से कौन कौन से इन्फॉर्मेटिव चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं उसको। यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, डेट इज 9। यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, डेट इज A2 - A1 जो कि होगा 17 - 9, डेट इज 8। तो ये हम लोग एपी से ए और डी के बारे में बता सकते हैं कि कितना होगा, जो कि हमारे पास आ गया है ए 9 और डी आया हमारे पास 8। मस्ट be taken to give a sum, sum दिया हुआ है, यानी कि sum of AP दिया हुआ है, और sum of AP को हम लोग किसके थ्रू शो करते हैं, SN के थ्रू, और SN का वैल्यू कितना दिया है, that is 636। हमसे पूछा क्या है, how many terms of the AP, यानी कि total terms कितना होगा, terms मतलब number of terms, यानी कि N का वैल्यू कितना होगा, तो therefore N equals to what, N equals to what, यानी कि number of terms equals to what, ठीक है, n का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है। तब यहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि SN हमें गिवन है, तो SN का जो फार्मूला होता है उसमें सारे चाहे a हो, d हो, या फिर SN का वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे, d का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलिए फार्मूला पहले लिखते हैं और उसके बाद फटाफट से पुट आउट करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है SN इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी, ठीक है, ठीक है। एसएन का वैल्यू कितना है, दैट इज 636 इक्वल्स टू एन बाई टू, एन का ही तो वैल्यू हमें पता करना है, डिवाइड बाय टू ए, टू इंटू ए यानी कि 2 × 9 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है, इंटू डी, डी का वैल्यू जो कि आपको आया है 8, कितना आया है 8, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 1272 इक्वल्स टू एन इंटू 9 × 18, और यहां पे हम लोग ऐड कर लेंगे तो 8n - 8 × 1 = 8, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहां पे कितना आया, 1272 इक्वल्स टू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले इसको हम लोग थोड़ा ऐड कर लेते हैं, तो एन इंटू 18 है, 18 लिख लिया हमने, 18 - 8 दैट इज 10, दैट इज 10, ठीक है। अब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सेम टू सेम लिख लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8n² + 10n, ठीक है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, फिर हम उसको पलट देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8n² + 10n - 1272 = 0, बस इसको इधर लेकर दोनों को पलट दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 ले लिया हमने कॉमन, तो यहां पे कितना आया, 4n² + 5n, और माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, 363 = 0, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0/2 कितना हो जाएगा, मर जाएगा हमारा, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखा है, तो चलिए फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से, तो कितना हो जाएगा, 2544, कितना आ जाएगा, 2544। अब हम लोग को इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है, इस नंबर को हम लोग को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि उसको प्लस और माइनस करने पे जो फैक्टर आएगा उसको प्लस या माइनस करने पे हमें 5 मिले। तो यहाँ पे जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जब हम लोग 53 × 48 करेंगे, कितना करेंगे, 53 × 48 करेंगे, तो हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगा, ये वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो को हम लोग क्या करेंगे, बस तो सिंपली इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। आप कैसे करोगे, सर आपको कैसे बताओ 53 × 48 इतना होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस मतलब बहुत बार हमने इसको बता रखा है तो हमें अच्छे से पता है, अदरवाइज आप इसको फैक्टर कर करके निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4n², यहाँ पे चाहिए +5n, तो +53n लिखते हैं और छोटे वाले को माइनस लिख देते हैं, दैट इज -48n, कितना आ गया, -48n
माइनस 363 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ है लेकिन 4 यहाँ तो कॉमन नहीं निकल सकता, n यहाँ है, n यहाँ है, n कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 4n और यहाँ पे आ गया प्लस 53। ठीक है, प्लस यहाँ पे 48 और 48 के टेबल में ये भी आता है, 48 के टेबल में क्या ये आता है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 48 15। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल भी आता है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग 48 1 जब नहीं बिल्कुल नहीं आएगा तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 12 के टेबल में, कितने के टेबल में 12 के टेबल में, तो 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 12 के टेबल में 53 टाइम्स में। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये दोनों हमेशा सेम आता है, तो यहाँ पे अगेन सेम देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन, यानी कि 4n प्लस 53 इंटू एन माइनस 12 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये नंबर इक्वल्स टू 0 हो सकता है या तो ये नंबर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, तो एक बार ले लिया 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस में, इधर गया तो माइनस में, और डिवाइडेड बाई ये हमारा आ गया डिवाइडेड बाई 4, और यहां से अगर हम लोग देखें तो n इक्वल्स टू आया है हमारा 12, n इक्वल्स टू आया है 12। तो हमसे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म्स जो होता है कभी भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होता, यानी कि पॉइंट के फॉर्म में नहीं होता, इसको आप करोगे कैंसिल तो ये आएगा 13.25 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है जो पॉइंट में होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव भी टर्म नहीं हो सकता। आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस वन टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि n का वैल्यू कौन सा होगा 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको किसी टाइप से कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।